हेलो दोस्तों, यूनिक किड्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे आलू मसाला सैंडविच। तो इस सैंडविच को बनाना बहुत ही आसान है और ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी और झटपट बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू मसाला सैंडविच। और हमेशा की तरह अगर आपको दोस्तों मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस करें तो मेरे रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आलू मसाला सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 1 चम्मच तेल और तेल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और जीरा को हम थोड़ा क्रैकल होने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। तो 1 छोटे साइज के प्याज को मैंने बारीक कट करके इसमें डाल दिया है। तो प्याज को अभी हम लो फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पे आप एक ध्यान रखिएगा कि प्याज का कलर हमें ज्यादा डार्क नहीं करना है। तो अभी हम इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन। तो 1 छोटी चम्मच हम इसमें ये डाल देंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इनको भी अभी हम लो फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन को क्रश करके डाला है, पर आप चाहे तो इसमें 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो अभी हम इसमें 2 चम्मच मटर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रोजन मटर का यूज किया है इसलिए मैंने ऐसे ही इसमें डायरेक्टली डाल दिए है, पर अगर आप फ्रेश मटर का यूज करते हैं तो आप फ्रेश मटर को बॉइल करके इसमें डालें। तो मटर को भी अभी हम लो फ्लेम पे भून लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए अभी मटर भून चुके हैं। तो इसमें अभी हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और इन मसालों को भी अभी हम लो फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेंगे। तो मसाले डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम को लो रख के ही इसे अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के आलू को अच्छे से बॉईल करके छील के लिया है। तो ये अभी आलू भी हम इसमें डाल देंगे। तो आलू को मैंने मैश कर लिया है, आप चाहे तो इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं। आलू के साथ ही हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन सब चीजों को अभी हम अच्छे से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है और सारी चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है। सारी चीजें अभी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस। अगर आप इसमें नींबू का रस नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। लास्ट में हम इसमें ये बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और इन दोनों चीजों को भी अभी हम इस आलू के मसाले में अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए सभी चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो ये अभी हमारा आलू का मसाला बन चुका है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस मसाले को अभी हम एक बाउल में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। तो सारे मसाले को हम बाउल में डाल देंगे और इसे अभी हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। और जब तक ये मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम हमारी सैंडविच की चटनी बना लेते हैं। सैंडविच की चटनी बनाने के लिए हम एक मिक्सी जार में डालेंगे 1 कप धनिया के पत्ते। तो धनिया के पत्तों को मैंने अच्छे से साफ करके वॉश करके लिया है। 4 लहसुन की कलियां डालेंगे, 2 हरी मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा नमक डालेंगे। 1/2 नींबू का रस भी हम इसमें डाल देंगे। 2 चम्मच ठंडा पानी डालेंगे और हम इसे मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इसे पीसते वक्त हमें इसमें बिल्कुल थोड़ा ही पानी डालना है। अगर हम इसमें ज्यादा पानी डाल देंगे तो जो ये चटनी है वो हम ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा नहीं पाएंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना ही ज्यादा पतली है और ना ही ज्यादा थिक है। तो ये अभी हमारी झटपट सैंडविच की चटनी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे अभी मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। तो इन ब्रेड स्लाइस के ऊपर अभी हम बटर लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो बटर है वो सॉफ्ट होना चाहिए, तभी जो ब्रेड के ऊपर है ये अच्छे से स्प्रेड हो पाएगा। तो जब कभी भी आप सैंडविच बनाएंगे तो बटर को आप 1/2 घंटे के लिए फ्रिज से बाहर निकाल के रखिए, तो बटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और आपको इसे ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करने में आसानी भी होगी। तो ये 4 ब्रेड स्लाइस के ऊपर मैंने अच्छे से बटर लगा लिया है। तो इनमें से 2 ब्रेड स्लाइस के ऊपर अभी हम ये ग्रीन चटनी लगाएंगे और ये देखिए चटनी का कलर कितना बढ़िया आया है।
अगर आप चटनी पीसते वक्त इसमें ठंडा पानी या बर्फ के टुकड़े डालोगे तो जो चटनी है वो ज्यादा समय तक ऐसे ही फ्रेश रहेगी, जल्दी काली नहीं पड़ेगी। तो आप जरूर उसमें पीसते वक्त ठंडा पानी या बर्फ के टुकड़े ही डालिए। तो ये दो ब्रेड स्लाइस के ऊपर हमने ग्रीन चटनी लगा ली है, तो अभी हम इन बचे हुए दो ब्रेड स्लाइस के ऊपर टमाटो सॉस लगाएंगे। अगर आपको सैंडविच ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इस टमाटो सॉस की जगह इसके ऊपर रेड चिली सॉस भी लगा सकते हो। तो इस बचे हुए ब्रेड स्लाइस के ऊपर भी अभी हम ये टमाटो सॉस लगा देंगे और अभी हम इसके ऊपर ये आलू का मसाला रख देंगे। तो ब्रेड स्लाइस के ऊपर हमें ये आलू का मसाला अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो एक से दो चम्मच ही हम इसके ऊपर ये मसाला डाल देंगे। तो इसके ऊपर भी अभी हम ये अच्छे से मसाला स्प्रेड कर लेंगे आलू का। दोनों ब्रेड स्लाइस के ऊपर मैंने अच्छे से आलू का मसाला स्प्रेड कर लिया है, तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। और जिस ब्रेड स्लाइस के ऊपर हमने टमाटो सॉस लगाया है उसे हम इसके ऊपर अच्छे से रख देंगे इस तरह से। तो ये अभी हमारे दोनों सैंडविच को असेंबल करके हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसे सेक लेते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पर एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है, तो पैन के ऊपर अभी हम अच्छे से बटर को लगा लेंगे। तो बटर को हमें इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो अभी हम इसके ऊपर जो हमने सैंडविच बना के लिया है वो रख देंगे। और अभी हम सैंडविच को लो फ्लेम पे अच्छे से सेकने देंगे। तो दोनों साइड से हमें इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो एक से दो मिनट तक एक साइड से और एक से दो मिनट तक दूसरे साइड से हमें इसे अच्छे से सेक लेना है। तो इसके ऊपर भी अभी हम अच्छे से बटर लगा लेंगे। तो दोनों ब्रेड स्लाइस के ऊपर हमें बटर लगा लेना है, जिससे कि जब हम इसे पलटी करेंगे तो दूसरी साइड से भी ये अच्छे से सिकेगा और इसके ऊपर कलर भी बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अभी हम इसे पलटी कर लेते हैं और ये देखिए कितना प्यारा इस पे कलर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया ये सभी तरफ से सिक चुका है। दूसरी साइड से भी हम इसे लो फ्लेम पे अच्छे से सेक लेंगे। तो सैंडविच को सेकते वक्त हमें एक ध्यान रखना है कि इसे हमें लो फ्लेम पे ही अच्छे से सेक लेना है, जिससे कि इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया कलर आए और ये जो ब्रेड है वो अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए। तो दोनों साइड से सैंडविच जो है वो अच्छे से सिक चुका है। तो अभी हम इन सैंडविच को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया सैंडविच बने हैं और इस पे कलर भी देखिए कितना परफेक्ट आया है और बहुत ही क्रिस्पी सैंडविच बने हैं। तो चलिए अभी हम इसी तरह बाकी के सैंडविच भी बना लेते हैं। अभी हमारे सुपर टेस्टी आलू मसाला सैंडविच खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको दोस्तों नाश्ते में कुछ बनाना है और आपके पास टाइम भी कम है तो झटपट आप ये आलू मसाला सैंडविच बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाता है, तो आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें। और अगर आपको दोस्तों रेसिपी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक अच्छी रेसिपी के साथ।